आयोटा क्लासेस। हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, साल नौ बच चुके हैं, हमारा टॉपिक अभी बस तैयार होकर आ चुका है। और फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। और ये वाला कुछ रिलेटेड है हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, क्योंकि इसमें कुछ तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने वाला है, जो कि हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट में फॉर्म किया था। उसमें जरूरी नहीं है कि हर बार फॉर्म को हम लोगों ने पढ़ा था, और इससे पहले अगर टॉपिक क्या कवर किया था, डबल डिस्प्लेसमेंट ही कवर किया था। तो आपको मैं होप करता हूँ कि आपको वो याद होगा, तब आप यहाँ पे आके पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आते हैं आप इस टॉपिक को कवर करते हैं, और इसका जितना भी नोट्स होगा वो हमारे वेबसाइट पर डला हुआ है www.iotaclasses.com, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना टॉपिक क्या कहता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस टॉपिक को आज पढ़ रहे हम लोग। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है कि दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड विच सेपरेट आउट एज अ सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट। यानी कि इसको दो तरह से डिफाइन किया गया। पहला कि जब दो क्लीन क्लियर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, मान लो कि एक क्लीन क्लियर सॉल्यूशन ये रहा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते, ये रहा इसमें सॉल्यूशन है, एक्वस है, तो अब ये क्या है, एक है, और फिर एक और ले लेते हैं, इसमें भी ना सॉल्यूशन डाला हुआ है किसी चीज का, ये हमारा दूसरा कंटेनर हो गया। अब क्या कि ये जब दो एक्वस सॉल्यूशन लिया, अब इसको क्या किया, इसके अंदर डाला, ये सारा इसके अंदर गया। तो अब जब आपस में मिक्स किए, तो जब ये रिएक्ट होगा आपस में, जब कंबाइन करेगा, कैसे, तो केमिकली जब कंबाइन होगा तब क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और एक एक्वस कंपाउंड में ही रह जाएगा। तो वो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो इनसॉल्युबल कंपाउंड को ही प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमको यहाँ दिखेगा कुछ देर के बाद रिएक्शन में, यहाँ पे सॉलिड पार्ट नीचे सेटल हो गया, तो ये हमारा एक्वस में रिएक्शन हुआ। कि जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में कंबाइन किया, मिक्स हुआ, रिएक्ट किया, तो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना है, जो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा उस एक्वस सॉल्यूशन से और सेटल हो जाएगा नीचे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब इसको एक और तरीके से कहते हैं, जो अभी स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन अ गैस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन एंड इनसॉल्युबल कंपाउंड इज फॉर्म आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। या जब हम किसी गैस को पास करेंगे एक एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा। अगर वहां इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब आते हैं हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं, तो ये डायग्राम हम लोग को दूसरा वाला स्टेटमेंट वेरीफाई करेगा। तो जब हम लोग Na2CO3 का सॉलिड पार्टिकल्स लेते हैं, और उसमें जब HCl डालें, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर सॉलिड ग्रैनुल्स क्या चीज का है, Na2CO3 का, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का। अब इसमें हम लोग HCl डाल रहे, क्या डाल रहे, HCl डाल रहे, तो अब ये जो रिएक्शन होगा इसमें क्या फॉर्म होगा, Na2CO3 के साथ HCl रिएक्ट किया तो NaCl बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, ये CO2 बना। अब ये CO2 एस्केप करेगा बाहर, ये CO2 बाहर निकला, तो अब हम क्या करेंगे, इस CO2 को बाहर जो निकाले, इसको हम लोग एक ना बाहर से किसी रबर पार्ट से कवर कर देंगे, और एक टेस्ट ट्यूब को डाल देंगे, और यहाँ पे एक दूसरा ट्यूब ले लेंगे टेस्ट ट्यूब, और इसमें क्या करेंगे कि हम लोग CaCO3, मतलब CaOH, यानी कि स्लेट लाइन को डाल देंगे, यानी कि लाइम वाटर होगा यहाँ पर। अब जब ये लाइम वाटर होगा, इसमें जब CO2 रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एक सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल फॉर्म करेगा, वो क्या होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, यानी कि वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हम लोगों को ऑब्टेन हुआ है, और वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा। तो ये हमारा इस पूरा डायग्राम का ये मतलब था कि हम लोग CO2 पहले वाले टेस्ट ट्यूब से रिलीज कर रहा है, अब यही CO2 को जाके इस लाइम वाटर स्लेक लाइन में जाके मिला, जो स्लेक लाइन एक्वस फॉर्म में था, अब इसमें जब CO2 और CaOH वोल्टू रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस H2O, तो यही हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का है, प्रेसिपिटेट है। तो ये हो गया हमारा CaCO3। अब इसको थोड़ा साफ सुथरे से अब हम लोग लिख लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन में जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई करने के लिए लेते हैं हम लोग, पहले ले लेते हैं BaCl2।
BaCl2 यानी कि बैरियम क्लोराइड जो किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। फिर इसके साथ सोडियम सल्फेट होगा यानी कि Na2SO4 जो किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ लिख लेते हैं, तो ये जब आपस में रिएक्ट करेगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि एक्सचेंज ऑफ अनायंस होगा। अब जब एक्सचेंज ऑफ अनायंस होगा तो ये Cl और ये SO4 ये माइनस वाला आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये SO4 इसके साथ आ जाएगा, BaSO4 आ जाएगा जो कि सॉलिड फॉर्म में ऑप्टेन होगा, साथ में ये NaCl एक्वस फॉर्म में बना लेगा। तो ये रिएक्शन हम लोग पहला स्टेटमेंट को वेरीफाई कर, जब दो एक्वस सॉल्यूशन को लेते हैं तो वो क्या बनाएगा, आपस में रिएक्ट करके मिक्स करके एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा। तो वही हम लोग को यहाँ दिख रहा है, जब दो एक्वस सॉल्यूशन को लिया तो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा जो सेटल हो जाएगा नीचे, जैसे कि आपस में मान लो BaCl डाल दिया इसके अंदर BaCl2+Na2SO4, तो यहाँ पर हम लोग सॉलिड पार्ट्स BaSO4 का ऑप्टेन होगा। ये पहला वाला स्टेटमेंट को वेरीफाई किया यानी कि जब दो सब्सटेंस, जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में कंबाइन हुए तो ये हम लोग को क्या बनाएगा, एक सॉलिड पार्ट यानी कि एक प्रेसिपिटेट सेपरेट कर देगा। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, दूसरे स्टेटमेंट का एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट के लिए ये हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया, इसके अंदर से हम लोग इवॉल्व करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उससे बना रहे होंगे एक प्रेसिपिटेट। तो आइए इसका रिएक्शन लिखते हैं, तो ले लेते हैं Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बन। अब इसको क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं किससे, HCl से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि पहला टेस्ट ट्यूब जो है इसमें Na2CO3 डाला यानी कि सोडियम कार्बोनेट डाला। अब इसके साथ डाइल्यूट HCl इसके साथ मिक्स किया। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब ये CO2 क्या होगा, एस्केप करेगा, बाहर निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या किया है, एक कॉर्क लगा के रखा है और ये कॉर्क क्या करेगा, बाकी सारे गैस को वहीं अंदर रोक के रहेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक यहाँ पे ट्यूब लिया, इस ट्यूब से डिलीवरी ट्यूब लिया, अब इसको कनेक्ट कर दिया किससे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में किससे कनेक्ट हुआ, लाइम वाटर से कनेक्ट हुआ यानी कि स्लेक लाइम से। तो अब उसका रिएक्शन लिखते हैं, जब स्लेक लाइम यानी कि CaOH2 के साथ CO2 रिएक्ट करेगा तो क्या बना, अब ये CO2 जब यहाँ से निकला तो इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया, अब जब लाइम वाटर के साथ ये जुड़ेगा तो बनाएगा CaCO3+H2O। तो CaCO3 जो यहाँ पे हम लोग को ऑप्टेन हुआ है ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, और यहाँ पे हम लोग को BaSO4 ऑप्टेन होते हैं ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो CaCO3 जब प्रेसिपिटेट ऑप्टेन हुआ, अब इसमें एक कंडीशन की बात आ रही थी जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बनेगा, जब CO2 एक ना सर्टेन अमाउंट में डाले तो हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ CO2 अगर डाल दे तो क्या होगा, ये इसका आंसर आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका इसको आंसर कैसे दीजिएगा, जब एक्सेस CO2 मान लो इस सॉल्यूशन से पास करेगा तो यहाँ पे ना कि ये CO3 बन के कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, तो वो वहां पे क्या होगा, एक इनसॉल्युबल पार्ट के बदले वो सॉल्युबल होगा। और जो मिल्की वाटर इसके वजह से चेंज हो रही है, CO3 सब्सटेंस की वजह से जो मिल्की सस्पेंशन आया था वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, एक क्लीन सॉल्यूशन में बदल जाएगा जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में चेंज होगा। तो क्या होगा कि CaOH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है CO2, इसके साथ CO2 रिएक्ट करेगा एक्सेस CO2 और इसके साथ क्या होगा, H2O होगा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaH, थोड़ा गड़बड़ हो गया, CaHCO3O2, ये हम लोगों को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्टेन होगा। और ये कैसा होगा, ये एक सॉल्यूशन को क्लीन कर देगा, ये एक सॉल्युबल पार्ट है एक्वस फॉर्म में। तो ये हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, इसको दो टाइप से एक्सप्लेन किया, जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिलते हैं एक है ना इनसॉल्युबल पार्ट बनता है, जब एक एक्वस सॉल्यूशन में जब गैस पास कराते हैं तो
तो वहां पे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ टेन होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनने का चांसेस था, जब एक्सेस ऑफ CO2 पास करा दे तो CHCO3 बनेगा जो कि सॉल्युबल होगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर। बाकी हम लोगों ने ये टॉपिक कवर कर लिया, अब हमें मिल रहे होंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।